नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदेन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जापान के ओसाका में चल रहे G20 समिट 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बात हुई। दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने इस द्विपक्षीय वार्ता में इंडिया में 5G नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रायल के लिए चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुवावे के बारे में बात की। दोस्तों, अमेरिका नहीं चाहता है कि चीनी कंपनी हुवावे अपने किसी सहयोगी देश में एंट्री करे। दोस्तों, अमेरिका का मानना है कि चीनी कंपनी हुवावे के साथ डाटा शेयर करने से उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, पिछले साल ही अमेरिका ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी हुवावे को किसी भी अमेरिकी कंपनी से टेक्नोलॉजी के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगाई हुई है, जिसके बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली अमेरिकी कंपनी गूगल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच किसी भी नए लॉन्च होने वाले हुवावे डिवाइस के लिए बैन कर दिया है। हालांकि हुवावे और उनकी सहयोगी कंपनी होनर के पहले लॉन्च हुए स्मार्टफोन में एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच मिलता रहेगा। दोस्तों, इस बात की इन्फॉर्मेशन हुवावे ने इस प्रकरण के बाद दी और साथ ही हुवावे ने अपना खुद का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होने की बात कही। दोस्तों, G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले बताया था कि वो नरेंद्र मोदी चीनी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी हुवावे के बारे में बात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम चीनी कंपनी हुवावे को टेलीकॉम इक्विपमेंट के कई पार्ट्स सप्लाई करते हैं, इसके लिए हम भारत से इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अमेरिका इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी के लिए ग्राउंड तैयार करने की कोशिश में है। दोस्तों, इस समिट में 5G के बारे में PM मोदी ने कहा कि हमारे पास इस टेक्नोलॉजी के करोड़ों यूजर्स हैं। इस तरह से भारत पूरे वर्ल्ड भर में इस टेक्नोलॉजी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इंडिया इस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के साथ ही अपनाने की तैयारी में है। दोस्तों, PM मोदी ने आगे कहा कि इसलिए ज़रूरी है कि किस तरह से 5G के लिए इंडिया और अमेरिका किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी ताकत इस टेक्नोलॉजी को सॉफ्टवेयर तैयार करना है और हमारी इच्छा है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को मेक इन इंडिया के तौर पर लॉन्च किया जाए। दोस्तों, इस समिट के वार्ता के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इस आइडिया का स्वागत किया और आगे ट्रंप ने कहा कि हमें देखना है कि सिलिकॉन वैली अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों का मुख्य अड्डा इसके लिए कैसे काम करता है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। Till my shadow turns to sun rays and I